बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। अक्षरधाम मंदिर और आईटीयू के पास पानी ही पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन दिल्ली में घुसापान बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा है। लगातार ये बड़ी अपडेट। ये अक्षरधाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये सुबह सुबह की ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। कई इलाकों में घर उसकी चपेट में आ गए हैं, सड़कें उसकी चपेट में आ गई है, कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई है। ये अक्षरधाम से सुबह सुबह की ताजा तस्वीर। दिल्ली अभी भी बाढ़ के पानी की जद में है। ये देखिए आप, आईटीओ का इलाका और अलग अलग इलाकों में दिल्ली के अभी भी पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह आईटीओ में आप देखिए कैसे सड़क पर पानी जमा हुआ है। खतरे के निशान से यमुना अभी 1 मीटर ऊपर है। यमुना का जलस्तर घटा जरूर है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर तकरीबन ऊपर। यमुना का जलस्तर 206 मीटर 14 सेंटीमीटर जबकि खतरे का निशान है 205 मीटर 33 सेंटीमीटर पर। तो पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन देखिए आप जो इलाके हैं दिल्ली के और प्रमुख जो इलाके हैं जैसे कि आईटीओ दिल्ली और अक्षरधाम, ये सुबह सुबह अभी भी यहां पर बड़ा इलाका जलमग्न है। यमुना के पानी में, बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और ये रविवार की सुबह का दृश्य, यमुना खतरे के निशान से लगभग अभी भी 1 मीटर ऊपर। परेशानियां अभी भी समाप्त नहीं है दिल्ली वासियों की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।